गोधन न्याय योजना की किरकिरी कुछ गौशाला संचालक लोग मनमानी पूर्वक कर रहे हैं। ताजा मामले में हम अगर रुख करें आमदी नगर हुडको की ओर, तो यहाँ गौवंश गौशाला में नहीं बल्कि दिन रात कॉलोनियों में विचरण कर झुंड में सड़क पर बैठे मिल जाते हैं, जो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। हुडको निवासी इस समस्या से काफी लंबे समय से जूझ भी रहे। गौशाला में गोवंशों की हिफाजत करना, देखरेख करना, उन्हें सुरक्षित रखना, बांध कर रखना, ये सब जिम्मेदारी गौशाला संचालक की है, ना कि गौ माता का दूध दोकर उन्हें आवारा खुला छोड़ देना, जिससे वे सड़कों पर दुर्घटनाओं का कारण बनती नजर आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुडको आमदी नगर में संचालित गौशाला की। तो हम बता दें कि गौशाला के नाम की आड़ में यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति गौ माता की देखरेख के लिए की जा रही है। गायों के दूध निकालकर उन्हें दिन रात खुला छोड़कर कॉलोनी वासियों को काफी दिक्कतों में डाला जा रहा है। बड़ी संख्या में झुंड के झुंड ये आवारा मवेशी लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतें डालते देखी जा सकती हैं। वहीं आए दिन इन खुले मवेशियों के कारण काफी दुर्घटनाएं होती दिखाई भी पड़ रही है। कई लोगों के एक्सीडेंट तो इन मवेशियों के बीच में आने के कारण हो रहे हैं। दोपहर भर ये झुंड के झुंड मवेशी रिहायशी इलाकों में कॉलोनी के घरों के सामने खड़े दिखाई देंगे। रात की स्थिति में और भी भयावह स्थिति होती दिखाई पड़ती है, जब स्ट्रीट लाइट के नहीं चलने जैसी स्थिति में ये झुंड के झुंड समूहों में सड़क पर बैठे नजर नहीं आते और हादसों की वजह बन बैठते हैं। इन मवेशियों के कारण हुडको निवासी काफी परेशान हैं। नागरिकों ने अपनी पीड़ा जहां बताई, वहीं गौशाला संचालक के खिलाफ काफी नाराजगी जाहिर की। यहां पे सबसे पहले समस्या तो यह है कि स्ट्रीट लाइट भी बंद है और जो यहाँ पे सड़कों में आवारा पशु जिस प्रकार की उनकी कलर है काली है खास तौर पे, इससे क्या है वाहन चालकों को आए दिन एक्सीडेंट होता है और अपने जान जोखिम में उनको डालना पड़ता है। इसके शासन प्रशासन इस प्रकार कुछ भी नहीं कर रही है, खाली एक गाड़ी लाती है और घूम के चले जाती है और बोलते हैं यहाँ मवेशी नहीं है करके। एक यहाँ पर गौठान भी संचालित किया जाता है, गौशाला है, उसके कारण लोग इतने त्रस्त हैं कि उनके कम से कम 50 गाय हुडको में ऐसी घूमती है जैसे कि उनके घर के मालिकाना है। वहाँ पे किसका है वो खटाल, गौठान किसका है पता नहीं, इसको ऐसा सुनने में आ रहा है कि अग्रवाल जी चलाते हैं, विजय अग्रवाल जी। इसके लिए बहुत प्रयासरत भी है, शासन प्रशासन इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है। शासन प्रशासन क्या करेगा जब उसको वहाँ से सब कुछ हिसाब किताब से मिल जाता है? वही तो ना, साठ गांठ चल रही है शासन प्रशासन के साथ में, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ के पार्षद को देखना चाहिए। स्ट्रीट लाइट आए दिन बंद होती, मैं पूर्व एल्डरमैन हूँ, पहले यहाँ पे लाइट बंद होने से मैं ट्रांसफार्मर पर जाके MCB ऑन करें, यहाँ पे सभी लोग से जानकारी ले सकते हैं आप। अभी यहाँ पे देख रहे कम से कम पार्षद जितने पास यहाँ लापता है। जैसा कि दर्शक आप देख रहे हैं कि हुडको वार्ड 70 का ये एरिया कहलाता है, मंगल बाजार को जोड़ती सड़क कहते हैं। सर, एक खटाल भी संचालित किया जाता है, गौठान भी है वहाँ पर, लगभग 50 गायें हैं ऐसा अनुमानित बताया भी है कि इन्होंने बाइट किया, उन्हें बताया है। अंधेरे में इन गायों की स्थिति समझ में नहीं आती और जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर इससे टकरा जा रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन के अलावा जो गायों की देखरेख यहाँ पर कर रहा है, जिनका नाम विजय अग्रवाल बताया गया है, उनको भी चाहिए कि अपनी गाय का सिर्फ दूध धोने से मतलब ना रखें, इन गायों की देखरेख करें। इन गायों को बेतरतीब रात में अंधेरों में बुजुर्गों का दुर्घटना होने का कारण ना बनाएं, अपने गायों को अपने एरिया में रखें। ये अच्छा नहीं है, यहाँ गौठान जो चला रहा है उसको समझ में आना चाहिए, यह जानवर छोड़ने का नहीं है, बांध के रखना चाहिए। देखो कितना अंधेरा है कि वो दिख भी नहीं रही है ना गाय, वो देखो उधर की लाइट से दिख। मंदिर में गौशाला खोल के रखे हैं और उनका जो गाय है यहाँ तो भी अंदर कॉलोनी में गौशाला, गौठान तो खोलना ही चाहिए। हाँ हाँ, और उसको गाय को छोड़ देते हैं तो रात भर इधर उधर बैठते हैं। और फिर दिन में कहाँ जाती है? दिन में बस इधर उधर दरवाजे में, मोहल्ले में गोबर ओबर कर रहे हैं, रोज साफ कर रहे हैं। कभी इसकी शिकायत करे नहीं आप लोगों ने? पावर वाला मिल के करेंगे ना, तो होगा एक आदमी से पूरा कॉलोनी। हाँ, तो हम तो चाहते हैं कि भी मतलब ये इससे निजात मिले, मतलब ने इसका इनको तो मालूम है, उसको रोज जाते हैं यहीं से दूध बेचते हैं, रोज जाते आते रहते हैं। दूध बेचने से भर मतलब है? दूध बेचने हैं उनको, दिन में छोड़ देते हैं गाय को, गाय दिन में छोड़ देते हैं। वो किसके दरवाजे में जाके गोबर कर रही है, कंधे कर रही है, क्या है और कहाँ बैठी कहाँ उठी, उससे मतलब नहीं है।
दिक्कत तो है कि अंधेरे में दिख भी नहीं रही ना, आप देखो कि अंधेरे में दिख नहीं रही है। एक्सीडेंट वगैरह कहीं होता है ना, इसी कारण तो एक्सीडेंट भी होता है। देखो अभी साफ नजर आ रही है क्योंकि बाहर की रोशनी पड़ी है। यहाँ काली वाले गाय बैठी है तो समझ में नहीं आएगा, पूरे कॉलोनी में घूमता रखती है। सकते हैं कितना अंधेरा है कि अंधेरे में एक गाय नजर तक नहीं आ रही है, और स्थानीय जो नागरिक है वो बोलने से भी बच रहे हैं, वो कुछ बताना नहीं चाहते हैं, शायद पड़ोसी का धर्म निभा रहे हैं या किसी को बचा रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि अंधेरे में गाय ये किसी की जान लेवा साबित हो सकती है, दुर्घटना बड़ी से बड़ी हो सकती है इन गायों के बैठे रहने से। आप बताएं क्या रिहायशी क्षेत्र है यहाँ गौठान होना सही है? यहाँ गौठान तो होना ही नहीं चाहिए, गौठान जो है उसका स्थान अलग दिया गया है, बनाया गया है, कई बार पेपर में आया, न्यूज में आया है कि गौठान के लिए, गौठान के लिए अलग स्थान बनाया गया है। ये कॉलोनी के बीच में थोड़ी गौठान है, कहीं नगर निगम प्रशासन से कभी आप कहीं भी देख लीजिए, पूरे सेक्टर में देख लीजिए, कहीं गौठान है क्या? कहीं नहीं है, गौठान सिर्फ यही है हुड़को में ही। इसका शिकायत कोई किए नहीं, आपत्ति सबको है लेकिन कोई बोलते नहीं, ये समझ में नहीं आता। दूध देता है क्या जो गौठान चला रहा है? वो दूध देता है क्या? फ्री में दे रहा है, क्या दे रहा है ये तो मालूम नहीं। नगर निगम भिलाई प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस ओर व्यापक कदम उठाते हुए कॉलोनी वासियों को राहत प्रदान करना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।